कि डेटिंग के रूमर से अब वो दोनों रक्षाबंधन पर एक दूसरे को तालों के साथ विश कर रहे हैं। क्या है ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के बीच की इस कॉन्ट्रोवर्सी की टाइमलाइन, आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2018 में न्यूज आई थी कि ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जब इनको एक पॉपुलर डेट प्लेस पर स्पॉट किया गया था। हालांकि उसके कुछ महीने बाद उर्वशी के स्पोक्स पर्सन ने बताया था कि दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं, और तभी ऋषभ ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी रिवील किया था। अब इनकी इस कॉन्ट्रोवर्सी को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। दोनों की डेटिंग न्यूज के बाद फैंस दोनों के विजिट पर इन दोनों के नाम चिल्लाने लगते थे, और बिना वजह दोनों का नाम कई बार साथ में जोड़ा जा चुका है। और रिलेशनशिप के रूमर्स के बाद उर्वशी ने कहा था कि मीडिया चीजों को काफी एग्जैजरेट कर देती है और जो चीजें इन प्रोग्रेस होती है उनको स्पॉइल कर देती है। इसके बाद अब दोनों दोबारा सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उर्वशी ने अपने इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने वाराणसी के शो के बाद दिल्ली आई थी पूरे दिन शूट के लिए, और मिस्टर आरपीएम से मिलने के लिए लॉबी में इंतजार कर रहे थे। वो थककर सोने चली गई थी और उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कितने कॉल्स आ गए। वो जब उठी तो उन्होंने देखा कि उनके फोन पर 16 से 17 मिस कॉल्स है, जिससे उर्वशी को काफी बुरा लगा। और उन्होंने आरती से कहा कि जब वो मुंबई आएंगे वो उनसे तब मिलेंगे, और जब वो दोनों मिले तो उनकी मीटिंग नेशनल हेडलाइंस पर आ गई, और इससे आगे वो ज्यादा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। इसके बाद फैंस को लगा कि उर्वशी आरपी ऋषभ पंत को कह रही है, और अब इस पर ऋषभ पंत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ये काफी हंसने की बात है कि कुछ लोग पॉपुलैरिटी और हेडलाइंस में आने के लिए काफी झूठ बोल देते हैं, वो फेम के कितने प्यासे हैं। और फिर उन्होंने टैग्स दिए #मेरा पीछा छोड़ो बहन, और झूठ बोलने की भी लिमिट होती है, जिसके महज 10 मिनट के अंदर उन्होंने स्टोरी डिलीट भी कर दी। ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, इस पर उर्वशी ने भी एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने लिखा, छोटू भैया शुड प्ले बैड बॉल, वो कोई मुन्ने नहीं जो बदनाम हो यंग किडो डार्लिंग के लिए, # रक्षाबंधन मुबारक हो। इसी के साथ उन्होंने # डोंट टेक एडवांटेज ऑफ साइलेंट गर्ल का भी टैग किया। अब डेटिंग र्यूमर से ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दोनों रक्षाबंधन पर एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। आप टीम उर्वशी है या आप टीम पंत है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए धमाका।